आपका नाम बताओ माता जी। रेणु देवी। रेणु देवी, आपकी उम्र है 40 साल। हाँ आपके बेटे की वीडियो मैंने बनाई थी, देखा था आपने? हाँ देखी। हाँ, उन्होंने मेरे को बताया बिल्कुल ठीक है, 80% फर्क बताया था। मैं डॉक्टर कीमो लगाने के कहा, हम हाँ कीमो लगवाए नहीं चले आए। हाँ रेडिएशन लगा था आपका, हाँ सेक लगवाया था? सेक लगवाए 10। हाँ 10 सेक लगा था आपको। आप खुद का अनुभव बताओ मेरे को जी। पूरा मेरा शरीर ही नहीं चले। हाँ शरीर गए तो थे आप रेडिएशन लगाने के लिए चल के, चल के गए। और जब रेडिएशन लगाने के बाद जब एक बार 5 गो लगाया, फिर 8 दिन के बाद मेरे दादी हो गई रही, मतलब स्किन खराब हो गई, यहाँ पर हो गई रही दादी। दाद सा हो गया? हाँ है, आँखें यहाँ हो गई रही था, अभी दादी है। अच्छा, तो बोला कि इसको पहले दवा करा लो, तब 5 गो फिर लगेगा। तो आप इसको बोलते कि मेरे को तो पहले था ही नहीं दागे, नहीं तो वो दवाई खाई नहीं, तो दवाई से गर्मी से हो गया। दवाई की गर्मी से हो गया। तो तो वो उन्होंने बोला नहीं कि ये दवाई खा लो, तब तुम्हारी कीमो लगेगा। तो कीमो मैं लगवाने नहीं गई, दवाई जब 8-10 दिन खाए दादी वाली। हाँ तब ले आपके पास से कोई मेरे घर वाले गए कंपनी में, तो वो पूछे तो कोई बता दिया संत, एक आते रहे बंदे, अच्छा, वो बेचारा लेके एड्रेस बताए आपको, तो मेरे लड़का मेरे घर वाले आए। आप मेरे पास आने से पहले आप गांव थे? अच्छा हाँ गांव गए रहे, किस, गांव से आए थे। सुने सब तो रोने लगे कि मेरे मम्मी के कैंसर हो गए, पता पहले बच्चों को नहीं पता था? नहीं रहे, इससे हम छिपा ही रहे, वो बात मैं कह रही हूँ। अच्छा, बच्चों को इन्होंने नहीं बताया नहीं बताए, कि डर कैंसर? जाएंगे, वहां पर 3 बच्चे मेरे हैं, बाद में जानेंगे तो डर जाएंगे, हद से जाएंगे, चलेंगे तब बताएंगे। जब मैं गांव से आई तब ये सबके पता लगा, तो रोने लगे मेरे को आपकी हालत देख के देख कर कि हाँ कि मेरे मम्मी के कैंसर हो गए, मर जाएगी अब। ये हाँ कैंसर को लेकर जब मन में बात आती है ना कि डर बन जाता है, और कैंसर का पेशेंट कहाँ ठीक होगा, और इन्होंने जब रेडिएशन लगाया तो इनकी हालत और खराब होगी, कमजोर हो गए। हाँ आप बोल रहे थे पहले शरीर आपका पूरा 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 रहे। अच्छा शरीर था, और एकदम से शरीर से एकदम कमजोर हो गई। तो कहाँ के लंग्स कैंसर था आपको? बाजू की जी तरफ, बाजू साइड, ठीक है जी, बाजू लंग्स की, में दर्द होता लंग्स में आपका दर्द होता, कैंसर तो लंग्स का ही बताया था, है। हाँ बाजू में, हाँ हाँ बाजू में, बाजू में था यहाँ पर हड्डी पीछे की तरफ। है ये। एक तो आप बताए थे पीछे जख्म, हाँ वह देखे रहे ना, ये है अच्छा सुनो क्या कह रहे हैं। जख्म था इनका, पूरा उठा हुआ था, हाँ इतना उठा रहा पीछे उठा हुआ था, अब तो आपका पूरा बैठ गया। बैठ गया तो ये बैठने की प्रक्रिया जो थी, ये कितने दिन में इनकी बैठ गई थी वो? सर, उसे तो हौली महीने में बैठ गई थी, उसे 20 दिन में फर्क आने लगा। हाँ फर्क 20 दिन में आने लगा। 20 दिन में इनको फर्क आने लगा। अब बताओ आयुर्वेद को लेकर जब आप लोग सोचते हो कि 20 दिन में ये सारी वीडियो रही, ये बेटे ने मुझे बताया, आज ये खुद चल के आई, इसलिए चल के आई कि इन्होंने एक पेशेंट को बोला, जीव का पेशेंट को ही बता रहे थे हाँ आप? सर, जीव का पेशेंट था, हाँ उनका हालत बहुत खराब थी, तो उनको हमने बताया नियम पालन करो, गौमूत्र लो, और तो बच्चे हमारी बात नहीं माने, लेकिन वो भी चल बसे। अपनी माता जी को ठीक होते हुए देखकर इन्होंने किसी पेशेंट को बोला, उसका जीव का था, कि तुम ऐसे ऐसे कर लो, नहीं जा पाते हो तो कोई बात नहीं, आप घर पे कर लो, लेकिन इनकी बात नहीं माना। इन्होंने कोई भी बात जो बोली ना, ये अपनी माता जी को ठीक होते हुए देख कर बोली। तो आज मेरे वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि इनकी बातें जो है वो झूठ नहीं है, जबकि गांव में वो आपका पड़ोसी होगा। हाँ पड़ोसी था मेरे, पटीदार था वो, पटीदार था आपका, पड़ोसी। आपका पड़ोसी था, जबकि पड़ोसी वाला बंदा इनको ठीक होते हुए देख कर भी नहीं मान, आज वो चल बसे। अगर इनका भी सही टाइम पर आप इनका ट्रीटमेंट नहीं कराते तो आज कंडीशन इनकी भी वही थी। कीमो को रेडिएशन लगने बताया, के बाद तो ये आ गई बिस्तर पर, बिस्तर पे आ तो गई। कीमो कहाँ लगता है, इनके शरीर में जान होता तभी तो कीमो जान लगाएंगे। नहीं बुलाए रहे कि 8 दिन के बाद आना, मैं गई भी नहीं करी, तो लगाएगा का वो, आपके पास मैं भागी है, कोई बताया थे। पहले प्राइवेट में कराते थे, तो अच्छा प्राइवेट में ठीक नहीं हुए, तो अच्छा उसमें पैसे लगे थे, फिर कितना पैसा लगा था आपको उसमें? उसमें वो मैं 30-40 हजार लगा, 30-40 हजार रुपये लगे थे वो रेडिएशन, वो सर्जी जो लेकर के। हाँ रेडिएशन जो लगाया था रेडिएशन उसके चार्ज लगे थे। फिर आप कंपनी के थ्रू अपना इलाज करवाना चाहते थे? कंपनी थ्रू हाँ, इलाज तब वहां करा। से घर पर लेकर भाग आए कंपनी तरफ से, इतना वहां पैसा है, मैं गरीब आदमी, तो हाँ ले प्राइवेट थ्रू चलती से हैं भी अपने सर कंपनी की तरफ से दवाई 30 हजार रुपये लग कराने। गया, 30-40 हजार रुपये लग गया था कंपनी थ्रू से, कंपनी के थ्रू से लग गया था। आपको ऑपरेशन बोला था? ऑपरेशन कर रहे थे करने को। हाँ, क्योंकि अभी एक वीडियो मैंने बनाई थी उसका भी बोला था, यहाँ से काट के और हड्डी यहाँ लगा देंगे, पट का मांस निकाल के पीछे लगाने को बोल रहे थे, लेकिन हमने मना कर दिया। वो बोल रहे थे यहाँ से काट के मांस और आपका इधर लगाएंगे, इधर लगे। तो आप बोल रहे थे कि पैर से भी नहीं चल पाऊंगी मैं, और फिर हाँ हम डरन में भाग गए हद से करके, नहीं भी इतना काटा पीटी तो मैं नहीं करवाऊँ, है नहीं ना, जो जो एक सच्चाई थी। आज इन्होंने नीचे बैठे मेरे सामने, जब मैंने, जब आप रो रहे थे तो मैंने बोला आप रो मत, अब तो नहीं रोना, अब तो रोते हुए को चुप कराना है,
अब हम क्यों रोएं? जो तकलीफें आपने देखी, जो तकलीफ आपके बच्चों ने देखी, जो कैंसर का माहौल आपके घर में आपके बच्चों ने देखा, ऐसे कई परिवार और भी होंगे, मानते हो ना? कोई आप ऐसे नहीं कि आप पहले हो, इससे पहले सबसे पहले मैं शख्स था। मेरे को जब मेरे को लंग्स टीबी बताया था तो मेरी हालत भी यही थी। जब उन्होंने बोल दिया कि आप नहीं बचोगे, 1.5 महीने बाद आपकी डेथ है, तो मेरे घर में भी माहौल ना बिगड़े उसके लिए मैंने अपने घर में नहीं बताया, मैं खुद ही अपने अंदर रखा। तो आज जब मैं ठीक हुआ तब आयुर्वेद को पढ़ने गया। अरे उसके बाद आप लोग, मेरे पास इतनी भी वीडियो आई है, मेरी वीडियो कहीं ना कहीं लोगों को झूठी लगती है। अब झूठ पता नहीं क्यों लगता है, जबकि मैं तो चेहरा दे रहा हूँ। अब सर जिन पर बीती है उन कोई जानता है क्या उसको हुआ है, जिन पर नहीं बीती है उनको क्या पता है? ये बात सही है। और सच में तो बताओ जी, हमारे पास तो वही शख्स आता है जिसके पास या तो पैसे नहीं हो, या फिर उनको ऐसा लगे कि हमें भी डर, जैसे आपको डर, मुझे तो ऑपरेशन नहीं कराना, कोई चारा ना बचाओ तो आते हैं आपके पास। हाँ, कहीं ना कहीं लास्ट कंडीशन होती है ना, चलो देख ले। कई बार ऐसे भी लोग आए, पहली बार उस दिन ऐसा, दो बार कोई भी चारा नहीं था मेरे पास कहीं पे, तो लास्ट में आ रहे हैं। तो मेरा एक सच्चाई वीडियो के अंदर ये रखा, कम से कम ये तो सच है कि जब इस कंडीशन के साथ ये पेशेंट आज आपके सामने खुद चल के आ रहा, जो चलने लायक नहीं थे। अभी फिलहाल कहाँ रहते हो आप? होशियारपुर। कब चले थे आप वहाँ से? कल के चले 6 बजे का, कल शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे चले। यहाँ पर आप 3 बजे बता रहे थे पहुँच गए? हम 3 बजे पहुँच गए। ठीक है, भोर में यहाँ आए पाँच बजे। उस समय जब आपकी रेडिएशन लगने के बाद हालत थी, कीमो लग जाता, तो क्या इतना चल भी पाते आप? नहीं चल पाते। आज अपनी दवाई के चलने के कितना दिन में आपको, खुद बताओ अपना अनुभव, कि कितने दिन में आपको आराम लगने लगा? अब तो मैंने 20-25 दिन में हमको आराम मिलने लगा। क्या आराम लगने लगा था आपको 20-25 दिन में? जैसे लगी चलने, जैसे उठ ही नहीं पाते रहे, लेटरिंग करे जाए, मेरे लड़की मेरे लड़का पकड़ के उठाते रहे, मेरे कमर से उठ ही नहीं पाते रहे। अच्छा अच्छा। ते दवाई खाते खाते मेरे लड़का गौमूत्र ले आने लगा, पीने लगे, ते उसे थोड़ा थोड़ा आराम मिलने लगा, मालिश वालिश में करने लगे पैर में, दो तीन तीन बार। ठीक है, ते उसे आराम मेरे को मिल गया। फिर आप खुद ही अपना उठ के कहे दवा नहीं खाएंगे, अब दवा नहीं छोड़ेंगे, वो दवा बंद कर दी, ये दवा मैं एलोपैथिक आपने बंद कर दिया? हाँ, वो बंद कर, उनकी बंद कर दी। कितने दिन बंद कर दी थी एलोपैथिक आपने? वहाँ से मैं 20-25 दिन दवाई ये खाए, उनकी बंद कर दी। खाली ज्यादा दवाई नहीं दे रहे, इतनी खाली उल्टी कराई, सुबह उल्टी मेरे को हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो उल्टी के दिए रहे, आए वो गैस के दिए, गैस के। और उल्टी गैस तो आपका ठीक हो गया? नहीं, कब उल्टिया तो आ जाता है सुबह सुबेरे। अच्छा, सुबेरे ने उल्टिया कहीं आता है कहीं नहीं आता, कभी नहीं आता। जलन भूखने लगता है कब, कब नहीं जलन होता है, कभी नहीं। और रोटी तो एक ही दुखाते हैं, एक दुखाते हैं। अब आप चलने लगे? हाँ, चलने लगे। अब तो तनिक घूम टहर के चल लेते, आप घूम भी लेते हो? घोड़े ओड़े में बड़ी दर्द रहता है, कबो कबो तो बुझाता है, एकदम सुस्ती शरीर हो जाती है। अभी तो इतनी दूर चल के आ रहे हो आप? हाँ। तो इतनी दूर चल के आना, क्या इतने सोच भी सकते थे क्या? जो लैट्रिन बाथरूम जाने में भी सोचता था, हाँ, कि कोई पकड़ के ले जाए, और आज खुद चल के आ रहे हो, और आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गए। मैं तो जब विश्वास है तब ना आपके पास आए हैं, नहीं विश्वास रहते मैं आती नहीं आती। आप बोल दिए, मेरे लड़का कहा तो हम कहानी जैसे मर्जी हो तैसे डॉक्टर के पास मेरे के जाना है। नहीं, देखो मैं कहा था ठीक हो जाए तो आना, ठीक हुआ तभी चलेंगे। मैं इसलिए बुलाता हूँ कि जब बिल्कुल ऐसा लगे ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं, कि अब हमें जीने की राह दिख गई है, तो आए। नहीं तो मैं नहीं कहता कि पेशेंट को यहाँ लेके आए, मैं तो मना ही करता हूँ, है ना? जब अपने को लगता है कि हम चल सकते हैं, हम आ सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर आए। तो मैंने आपको इसलिए बुलाया यहाँ पर कि आप लोगों को एक सच भी बता सकूँ मैं। आज जो झूठी बातें लग रही लोगों को, आप खुद बोल रहे हो, अपने पड़ोसी को बोल रहे हो, तो आपकी बात नहीं मान रहा है तो वीडियो को कैसे मानेगा? ये तो इतनी बड़ी, मैं देख रहा हूँ कि लोगों का इतना विश्वास खत्म हो गया कि आँख से देखने के बाद भी पेशेंट को नहीं मान रहा है। एक पड़ोसी, एक दोस्त को बता रहा है कि मेरी माँ ठीक हो चुकी है, तू फिर नहीं मान रहा है। तो कोई बात नहीं, मानो ना मानो, हमें तो अपनी सच्चाई वीडियो के माध्यम से रखनी है। क्योंकि मैंने भी राजीव दीक्षित का वीडियो ही देखा था, 2010 में वो दुनिया में नहीं रहे थे, 2014 में मुझे वीडियो मिला था, तो मेरा तो वीडियो ही सहारा, इसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। तो मैं तो फिर आज वीडियो बना के ही आप लोगों को बता पाऊंगा। उस समय आपको ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो पता नहीं रहूंगी नहीं रहूंगी, पर 20 दिन में आप ठीक हो गए, तो क्या 20 दिन की वीडियो नहीं बनानी चाहिए?
आप कहते हैं आगे बताओ, मैं कहता हूं कि 20 दिन का ही रिकवरी बताऊंगा। आपको आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, किसी की गारंटी नहीं है, 1% भी गारंटी। मैं तो एक बात कहता हूं, आगे कैंसर ना हो। सर आप पहले मैं आपके पास आया था तो आपने बोला था मैं गारंटी नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, तो मैं बोला सर कोई बात नहीं, लेकिन आप तो रिपोर्ट देख लीजिए, दवाई दे दीजिए, अगर फर्क पड़ गया तो आपने कहा था आना नहीं पड़ेगा तो मत आना, आपने ये बोला। यही तो बोला मैंने, तो 20 दिन का रिकवरी का मैंने दिया। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जांच कराने में कितने पैसे लगते हैं, तो 20 दिन में तो वो जांच का रिपोर्ट आएगा, 20 दिन में तो पेशेंट की यहाँ पर रिपोर्ट आ जाती है कि पेशेंट चलने लगा, खाने लगा, घूमने लगा, तो क्या ये रिपोर्ट नहीं है? तो इस रिपोर्ट में जो आपने पैसे दिए तो क्या गलत दे दिए? वो तो सिर्फ जांच की रिपोर्ट लगवाई आपने। सर जैसे मम्मी का कंडीशन खराब था तो दिल्ली हम गए थे मम्मी को लेके, तो रिपोर्ट बनाने में कह रहे 20 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, तो रिपोर्ट आ रही और कंडीशन खराब हो गया, तो हमने कहा मम्मी रहने दो वहां से आ जाओ। ठीक है, वहां से आए मम्मी, फिर हम इनको लेके गए चंडीगढ़, चंडीगढ़ में फिर इनको रख सकते हैं, अस्पताल था कोई, तो वहां से कीमो लगा इनको, वो रेडिएशन लगा, फिर वहां से इनकी हालत खराब हो गई, फिर मेरे पापा फ्रेंड बताया, फिर हमें आपके पास आया। हाँ। तो ये 20 दिन में पूरा रिकवर, 20 दिन में तो रिपोर्ट ही आती है, मैं कह रहा हूँ 20 दिन की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हो, यहाँ पर 20 दिन की रिकवरी की रिपोर्ट आ जाती है, पेशेंट खुद बोलने लगता है। तो इतना बड़ा विज्ञान है फिर भी लोगों को शक है। हमने ये वीडियो इसलिए बनाया कि मैं आपका चेहरा लोगों को दिखा सकूं, ताकि आपको बार बार लोगों को नहीं बताना पड़े, कि आप जाके लोगों को ये नहीं बताओ कि भैया तुम वहां जाओ, नहीं, आपका वीडियो है, आप उस वीडियो को ही लोगों को दिखा दो, जिसको आना है, जिसको समझ में आता है वो चिकित्सा कराए, जिसको नहीं आता नहीं करवाए। ठीक है, जिस विज्ञान को आपने लोगों को बताने के लिए जब लगता है ना, तो लोग शक करते हैं कि पता नहीं इनका क्या वहां से कमीशन है। सर ये भी कमीशन, हाँ, है। क्या कमीशन इनका, ये लोग क्यों भेजने की कोशिश करते हैं? नहीं है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, नहीं दवा का एक देना है। हाँ। एक बार बता दो जो पूछेगी तो। हाँ। पर आप तो कहां से दवा होता है? हाँ, बस, बस। यहां से होता है, जब कराना है तो तुम ही करा लो, नहीं मत, किसी को प्रेशर मत डालो। आज हम नहीं कहते किसी को भी, आज क्या होता है कभी किसी को कोई बताने की कोशिश करेगा ना तो लोगों को शक होता है, बुरा बोलने लगते हैं। हाँ, उसी को अब हमें नहीं, अपना वीडियो बना दिया हमें, जिसको समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता वो भी ठीक है। यहाँ किसी को बोलने की आपको बताने की जरूरत नहीं, कोई एड्रेस नहीं, आपसे चल के पूछे कोई आके तो बता देना। हाँ। ठीक है, आज के बाद बताने का सिस्टम बंद, नहीं चाहिए किसी को हमें। आज के तारीख में किसी का भलाई सोचो ना तो लोगों को उसको बुरा ही लगता है। वो जमाना गया जो भलाई करने के बदले में भला मिलता था, अब भले करने वाले को बुराई मिलती है, तो फिर आप उतना ही भला करें जितना हमें लगता है कि करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है माता जी, आज आपको नई जिंदगी मुबारक। ठीक है, अब ये जो जिंदगी मिली आपको आपकी गौ माता की सेवा के लिए, आपका जो जीवन बचा ना जी, सिर्फ गौ माता की वजह से बचा। गौ माता, सर मैं आपको कह रहा हूं, गौ माता है, मैं जाता हूं गौ माता को पैर प्रणाम करता हूं, पैर फूल लगाता हूं, फिर गौमूत्र ले जाता हूं। अभी गौमूत्र कौन से गाय का लेके आते हैं? देसी का ना, दूर से ले आते हैं, दूर से। आज एक बात और बताएंगे, ये बता रहे थे कि देसी गाय तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, अगर देसी गाय खत्म हो गई तो मैं कहता हूँ कि फिर मैं आपके कैंसर को ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो अभी जो आपकी वीडियो है, आपको अपने आसपास दिखा के लोगों को देसी गाय बचानी। हमारे जैसे घूमते नहीं है। हाँ। सड़कों पर गाय, देसी गाय 3-4 घूमती है। देखो मैं कहता हूँ कि अगर गौ माता रोड पर घूम रही है और आपके पास घर में जगह है और कोई बांधने वाला नहीं, तो आप बांध सकते, तो ऐसा आपको घर में अगर बांध के उनकी सेवा कर रहे हो। लेकिन कई लोगों ने घर में बांध करके सिर्फ गौमूत्र के लिए बांध लिया, बाकी उनको दुखी कर रखा है, इतनी छोटी रस्सी बांधते हैं उसकी कि उसकी गर्द अकड़ जाती है, ऐसी खींची हुई बेचारी, तो ऐसी मत बांधो, ये तरीका नहीं बांधने का। आपको बताऊं जी, गौ माता आप उसको घर में खिलाना शुरू कर दो, आपके पेड़ के नीचे खुद ही बैठ जाएगी, उसको कोई घर की भी जरूरत नहीं। सर हम रोटी देते ना, रोज आते थे, आती है ना, रोज आती है, तो फिर रोज सुबह 8 बजे आ जाती है, 7 बजे आ जाती है, घर में आ जाएगी, आ जाएगी। तो फिर इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आज गौ माता सड़कों पर घूम रही है जो आपके कैंसर ठीक कर रही है, और आज उसको कचरा खाना पड़ रहा है। अगर वो परेशान है तो आपको पता नहीं, आप भी परेशानी में आ जाओगे। हाँ, दुख वो एकदम, उसको कोई भी चीज, जब आप पानी पियो उसके उससे पहले आप उनको पानी पिला के आओ, कि हो सकता है उनको भी प्यास लगे। जब आप खाना खा रहे हो उससे पहले उनको खाना खिलाओ। टोटी है बाहर में, बाहर में टोटी बाल्टी में पिला देते हैं। ये ध्यान रखना कि ये जब भी अगर घर में अपने गौ माता रख रखी है तो उसका वैसे ही ध्यान रखो जैसे अपनी माँ का रखते हो। वो एक तो जन्म देने वाली माँ है, एक पालने वाली माँ है, तो अब कर्तव्य दोनों का ही बनता है, ध्यान रखना। माता जी नया जीवन मुबारक हो, अब रोना मत।